क्या बताए, एक दुखद बहुत खबर है कि मोबाइल थोड़ा सा डैमेज हो गया है ना। क्या बताए, क्या बता सकते हैं, बैक पैनल जो था सा कर गया। कुछ मत करो इसको, तुम गुरु जी का नहीं हुआ है, गुरु जी हाँ, हम कुछ किया ये दोनों गेम खेलते खेलते चक्कर क्या बताए, सुजाई गुस्सा आ गया इससे थोड़ा सा सुजाई कारण नहीं हुआ। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप सभी को धनंजय कुमार प्रियांशु ब्लॉग चैनल में आते रहते स्वागत है। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव और गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट गाइस 8:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग को तेजी से एडिट करते हैं। आज ऐसे क्या बताए, आज लगभग ऑलमोस्ट अब 4:30 बजे उठ गए थे, तो सोचे जाते हैं रनिंग करने, लेकिन रनिंग तो किए नहीं, आराम से टहल बुल के चला है मस्ती के साथ, ठीक ना। और ऐसे टहल दौड़ते ही, लेकिन क्या बताए, आप सुने क्या, मार्केट थोड़ा सा कल ही चली थी, समझ सकते हैं, यानी कल थोड़ी सी शाम में ही गोलीबारी चली थी उसी साइड, जिस साइड रनिंग करने जाते हैं, तो इसी कारण दौड़े नहीं, फिर देखते उठ के घूम फिर के चले आराम से, ठीक ना। तो चलिए ऑलमोस्ट लगभग अभी 8:30 बज रहे हैं, तो आराम से जो है ब्लॉग को तेजी से एडिट करते हैं और उसके बाद जो है तेजी से पब्लिक करते हैं। अभी ऑलमोस्ट अब ब्लॉग को एडिट करने में तो 10:30 बज ही जाएंगे, ठीक ना। चलते आराम से तेजी से ब्लॉग को एडिट करते हैं और ऑलमोस्ट लगभग 1 बजे तक तो पब्लिक कर ही दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो ही है, ठीक ना। चलते हैं तेजी से और ब्लॉग को तेजी से एडिट करते हैं। ओके, मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट ब्लॉग को एडिट करने के बाद। ओके, सो हे गाइस, ऑलमोस्ट लगभग 10:30 बज रहे हैं, फाइनली ब्लॉग जो है एडिट हो गया है, बस एक्सपोर्ट हुआ है, लगभग 16% एक्सपोर्ट हो गया है। लगभग 10 से 15 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट होते ही डायरेक्ट डाउनलोड पे लगाते हैं और नेटवर्क ऐसे स्लो ही चल रहा है, क्या होता है, चाहे BSNL हो या जियो भी नहीं चल रहा है अभी, पर इसका एयरटेल भी तो चल ही रहा है स्लो, दाम बढ़ाने से क्या फ़ायदा, लेकिन BSNL क्या होता है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसे दिन भर में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है नेटवर्क कारण, लेकिन रात में 3G अभी हमारे एरिया में पकड़ रही है, लेकिन आराम से अच्छे से चल रही है, रात में लगभग 1 Mbps 2 Mbps स्पीड दे रही है, ठीक ना। दिन रात प्रॉब्लम होता है, लेकिन रात में 8 बजे के बाद अच्छी स्पीड देती है BSNL। तो चलिए आराम से जो है ब्लॉग ऑलमोस्ट लगभग 27% हो गया है, लगभग 10-5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद जाके एक्सपोर्ट होता है डाउनलोड पे लगाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से जो है ब्लॉग को पब्लिक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी तक तो नहाए भी नहीं, क्या बताया, कपड़ा भी नहीं धोए थे कल, मैं धोया है, तो तेजी से पहले कपड़ा खींचना है, उसके बाद जो है नहाना है, ठीक ना। तो चलिए आराम से तेजी से पहले ब्लॉग को पब्लिक करते हैं, उसके बाद आराम से नहाएंगे सुनाएंगे, अभी खाना भी रेडी नहीं हुआ और नाश्ता भी नहीं किए, बस आराम से 1-2 बिस्किट खाए, ठीक है। चलिए आराम से ब्लॉग को तेजी से पब्लिक करते हैं। सो फाइनली गाइस, ऑलमोस्ट लगभग 1 बज चुके हैं, तो फाइनली ब्लॉग जो है पब्लिक हो गया है और क्या बताएं, अभी तक नहाए भी नहीं, चलते हैं नहाने सुनाने के लिए। और हम नहाए नहीं, गुरु जी देखिए नहा सुना के अपना कपड़ा खींच लिया, लेकिन मेरा कपड़ा नहीं खींच दिया, तो हमारी भी बारी आएगी कभी, हम भी उसका कपड़ा नहीं खींचेंगे। और सुजय जी आराम से खाना खा रहे हैं, मम्मी जी भी खाना खा लिए हैं, तो चलते हैं, आप हम बच गए सिर्फ, तो आराम से और यहाँ पे हमारे मृत्युंजय जी देख सकते हैं कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखिए गुरु जी को, डोंट टच माय मोबाइल, ये तुम्हारी मोबाइल नहीं है, ये तुम इसे टच कर सकते हो, ओके, नहीं निकलेंगे, ये हमारा रूम है, हाय गुरु जी, अब बता सकते हैं आपका नारा जब ही तो निकल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका नारा तो निकल ही जाता है, फिर खुल जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक ही बार इवनिंग में, आराम से सोते हैं, नहीं तो मोबाइल चलाते हैं, ओके। सो हे गाइस, ऑलमोस्ट लगभग क्या बताएं, 4:30 बज रहे हैं, सोए नहीं बल्कि दुकान पे थे, आराम से मस्ती के साथ गुरु जी जो है लगभग 3-4 बार गेम में हराए हैं आज। गुरु जी बताइए आपको कैसा मजा लगा है आज गेम में हारते हुए, बताइए कैसे चाट रहे थे आप, धूल क्या चाट रहे थे आप, बताइए मृत्युंजय जी क्या चाट रहे थे गुरु जी, आज क्या बताए, इतना जोरदार छटकारा खाए हैं गुरु जी, इतनी बार हारते हुए, इसलिए आज थोड़ा सा मूड क्या बताए गुरु जी का, बहुत सैड है, क्योंकि बहुत प्रो बनते थे, लेकिन ये नहीं, ये कातिया ये हाथ भले ही गोली चलाना छोड़ दिए है, लेकिन गोली चलते रहते हैं,
ओके मिलते हैं आप लोगों से गेम खेल रहे हैं, बहुत दिनों बाद गेम खेले इसलिए गुरु जी को क्या बताया, प्रैक्टिस छुट्टी थी लेकिन गेम खेलते हैं तो हाँ क्या बताया, ऑटोमेटिक हेडशॉट पर हेडशॉट ले लेते हैं। तो चलिए आराम से मस्ती के साथ, गुरु जी तो क्लास जा रहा है तो आप खेलने का मन ही नहीं करेगा, तो आराम से मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं क्योंकि मोबाइल भी हमारा 30% पे ही चार्ज है। तो गुरु जी जब आएंगे फिर उनके साथ क्या बताए, वन बाय वन फिर से फ्री फायर मैच हो जाएगा। बताइए मृत्युंजय जी, तो मृत्युंजय क्लास जा रहा है तो मोबाइल को भी चार्ज लगाते हैं, ऑलमोस्ट लगभग मृत्युंजय एक घंटा बाद आएगा तो एक घंटा में ऑलमोस्ट 60% तो चार्ज हो ही जाएगा, ठीक ना। तो चार्ज को लगाते हैं मोबाइल, मिलते हैं आप लोगों से मस्ती के साथ बाद में। ओके सो है गाइस, ऑलमोस्ट लगभग 7 बज रहे हैं, क्या बताएं, एक दुखद बहुत खबर है कि मोबाइल थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ठीक ना, क्या बताएं, क्या बता सकते हैं, बैक पैनल जो था सा उखड़ गया। कुछ मत करो इसको, तुम गुरु जी का नहीं हुआ है, गुरु जी हम कुछ किया है, ये दोनों गेम खेलते खेलते क्या बताएं, सुजय गुस्सा आ गया इससे थोड़ा सा, सुजय का नहीं हुआ है, थोड़ा सा बदल गया था उससे, तो थोड़ा सा डिस्प्ले थोड़ा सा उनर गया था, लुखर गया था, तो उसी को थोड़ा सा ठीक करा लिए, पटक देंगे मोबाइल, समझा, ज्यादा बोलेगा नहीं मेरे भी। तो चलते हैं दुकान का सामान लाने के लिए, मार्केट चलते हैं आराम से मस्ती के साथ, और हमारे साथ हमारे गुरु जी के ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल ब्लॉग में थोड़ा सा गुरु जी भी शेयर दे रहे हैं अपना, तो आप लोग गुरु जी का ब्लॉग सब देखिए, ठीक है गुरु जी, चलिए मार्केट चलते हैं और आप लोग व्यूज चेक कीजिएगा मार्केट का म्यूजिक के साथ। ओके सो पहले गाइस खाना पीना हो गया है, ठीक ना, तो आज क्या बताएं, सुजय जो है गेम खेलते खेलते थोड़ा सा मोबाइल को पटक दिया था हार जाने के कारण, क्योंकि सुजय और मिथुन ने दोनों गेम खेल रहे थे स्क्वाड में, अलग अलग पार्टनर में थे, पार्टनर नहीं थे, अलग अलग एनिमी में थे, तो खेल रहे थे, उसी कारण सुजय थोड़ा सा मृत्युंजय थोड़ा सा चिटिंग कर लिया, बस उसी कारण थोड़ा सा गुस्से में गुजार दिया, ठीक ना। तो चलिए मोबाइल तो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा डिस्प्ले उखड़ गया था, यानी गम लगा बस ठीक हो गया, ठीक है, लगभग अभी भी रबर लगा के रखे हुए हैं, ठीक ना। चलिए आराम से जो है सोते हैं और मिलते हैं आप लोगों से, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय और गुड नाइट।